सामुदायिक शौचालय की पिछली के 27,000 रुपये की मार्च महीने में सभी केयरटेकर महिलाओं के खाते में भेजी गई थी। आज हम बात करने वाले हैं कि अगली किस्त अब उन्हें कब प्राप्त होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक न्यूज यूट्यूब चैनल। वीडियो को एक लाइक करके और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। यहाँ पर आप जो बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं ये एक सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयरटेकर महिला का है, जिन्हें 17/3/2022 में 27,000 रुपए की किस्त प्राप्त हुई थी। इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आगे हम आपको बताएंगे कि सामुदायिक शौचालय की किस्त आपको कब प्राप्त होगी। इससे पहले कुछ खबरें हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। एक तरफ जहां कई इलाकों में बिना सामुदायिक शौचालय खुले ही केयरटेकर महिलाओं का भुगतान किया जा रहा है, वहीं लखीमपुर के ईसाई नगर ब्लॉक की केयरटेकर को पिछले एक साल से कोई भी पैसा नहीं मिला है। लखीमपुर संवाददाता ने बताया, एक तरफ जहाँ कई इलाकों में बिना सामुदायिक शौचालय खुले ही केयरटेकर को भुगतान किया जा रहा है, वहीं ईसाई नगर ब्लॉक की केयरटेकर को पिछले एक साल से भुगतान नहीं हुआ है। केयरटेकर समूह की महिलाओं ने डीएम, सीडीओ व डीपीआरओ को ज्ञापन सौंपकर प्रधान व सचिव पर 3,000 रुपए देने पर ही मानदेय देने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि वह नियमित सामुदायिक शौचालय खोल रही हैं पर भुगतान न होने से परेशान है, भुगतान तुरंत कराया जाए। ईसाई नगर की सैकड़ों केयरटेकर सोमवार को डीएम दफ्तर पहुंची, यहां ज्ञापन देने के बाद विकास भवन पहुंचकर सीडीओ ऑफिस व डीपीआरओ को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव साफ सफाई की जिम्मेदारी समूह की महिलाओं को दी गई है। इन महिलाओं को केयर टेकर के रूप में 6,000 रुपए मानदेय और 3,000 रुपए सामग्री खरीदने का ग्राम पंचायत से भुगतान करना है। ईसाई नगर में तैनात केयर टेकर शिल्पी, सरिता, कोकिला, सुशीला, वंदना, राधा रानी, मीना देवी, शांति देवी, किरण देवी, पूनम देवी, विनीता देवी सहित तमाम महिलाएं सोमवार को डीएम ऑफिस पहुंची। ज्ञापन देकर बताया गया कि उनको मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। आरोप यह भी लगाया गया कि जब भुगतान की मांग करती हैं तो प्रधान व सचिव 3,000 रुपए की मांग करते हैं, नहीं तो भुगतान न करने और हटाने की धमकी दी जाती है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ अगली खबर है बलिया जिले की। जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने 22 जून यानी कि आज को बांस टीबा नगरा ब्लॉक के पंचायत भवनों व सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया। इन दोनों ब्लॉकों में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय निर्माण में मानक की अनदेखी की शिकायत मिली थी, इसीलिए उन्होंने वहां जाकर निरीक्षण किया और कार्य को तुरंत ही कंप्लीट कराने का आदेश दिया। अब बात करते हैं कि सामुदायिक शौचालय की अगली किस्त हमें कब तक प्राप्त हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि पिछली किस्त 17/3/2022 यानी कि मार्च महीने में प्राप्त हुई थी। जैसा कि आप सभी केयरटेकर महिलाओं को पता होगा कि सामुदायिक शौचालय की जो सैलरी है वो एक किस्त के रूप में दी जाती है, जिसमें 3 महीने का मानदेय इकट्ठा दिया जाता है। यदि हम पिछली किस्त के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें जो अगली किस्त है वो जुलाई मंथ में प्राप्त हो सकती है। फिलहाल अभी इस विषय में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, हम जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं। जैसे ही हमें सैलरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तुरंत ही हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर देंगे। आप लोगों को इस चैनल पर एक्टिव रहना है और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।